मध्य प्रदेश में जबलपुर में बड़ा रेल हादसा हो गया है। यहाँ इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस के दो डब्बे पटरी से उतर गए। इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस इंदौर से जबलपुर आ रही थी, इस दौरान ये मुख्य रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन बेपटरी हो गई। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि क्योंकि रेलवे स्टेशन करीब था, इसलिए ट्रेन की रफ्तार काफी धीमी थी। अगर रफ्तार तेज होती तो हादसा काफी नुकसानदायक हो सकता था। सुबह 5:50 के लगभग की घटना है, जब इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस 22191 प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर अप्रोच कर रही थी। उस समय लगभग प्लेटफॉर्म नंबर 6 से लगभग 50 से 100 मीटर दूर इसके दो कोच जो कि इंजन के बगल वाले थे, वह डेरेल हुए हैं। एवं क्योंकि गाड़ी बिल्कुल स्टॉप स्पीड पर थी, मतलब लगभग 5 किलोमीटर/घंटा की स्पीड पर थी, तो कोई भी यात्री को कोई चोट नहीं पहुँची है, कोई भी घायल नहीं है, सभी यात्री सुरक्षित हैं। सर, किस तरह से यात्री को उतारा गया? गाड़ी को यहाँ से काट कर ले जाया गया है। एवं सभी यात्री अभी फिलहाल से मतलब सुरक्षित हैं, किसी की भी हानि की कोई खबर नहीं है। रीरेल नहीं हुए हैं, रीरेल वाले कोच अभी भी रीरेल किए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोचेस को रीरेल किया जा रहा है, दो कोच हैं ऐसे जिनको रीरेल किया जा रहा है, बाकी कोचों को काट के अलग करके उनको सुरक्षित उतार लिया गया। हाँ, जांच कमेटी आज गठित हो जाएगी, अभी थोड़ी देर में गठित हो जाएगी। अभी यहाँ पे बेसिक फैक्ट्स देखे जा रहे हैं, उसके बाद जांच कमेटी आज ही गठित हो जाएगी एवं जल्दी ही इसकी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। इंक्वायरी के बाद में बता पाऊंगा आपको, इसकी इंक्वायरी चल रही है। ओवरनाइट एक्सप्रेस जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर लगने ही वाली थी कि उसके दो डब्बे बेपटरी हो गए। अधिकारियों का कहना है कि ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से थी, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे के पीछे क्या वजह है इसकी जांच जरूर की जाएगी। हादसा टला है सर, आज सुबह इंदौर से चलकर जबलपुर आ रही थी ओवरनाइट एक्सप्रेस। फिलहाल ड्रिल, ये अभी किस तरीके से काम किया जा रहा है रेलवे के बच्चे, और किस तरीके से आपने देखा, क्या नज़ारा था? ये एक्चुअली सुबह 5:38 की घटना है, जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जबलपुर स्टेशन एंटर कर रही थी, और उस वक्त जो चालक थे उनको इंजन में अचानक ये फील हुआ कि कुछ झटका लगा और तेज़ आवाज़ आई, तो उन्होंने गाड़ी को तुरंत रोका। उतरने पर पाया कि इंजन से जुड़ी हुई दो कोच की एक एक ट्रॉली जो है वो डीरेल हो गई थी, एंड फॉर्चुनेटली किसी भी यात्रियों को किसी तरह की चोट नहीं थी। और उसके बाद में फिर चूँकि स्टेशन के करीब था, तो ये बहुत हम लोगों के लिए तुरंत एक्शन लेने के लिए आसान हुआ। हम लोग सब लोग वहाँ पहुँचे, पूरी टीम सभी विभागों की आई, और जितने भी यात्री थे उन सभी यात्रियों को ट्रैक क्लियर करवा कर अच्छे से स्टेशन तक पहुंचाया गया। 3 यात्री ऐसे थे जो यहाँ के बजाय मदन महल जाना चाह रहे थे, उन्हें मदन महल भेजा गया रेलवे स्टाफ के साथ में कंपनी करते हुए। एंड जो डिरेलमेंट के बाद रिस्टोरेशन की कार्रवाई है वो पैरेलली चालू कर दी गई थी। एक कोच रीरेल हो चुका है, दूसरे पे काम चल रहा है, बहुत जल्द वो भी रीरेल हो जाएगा। और फिलहाल तो इसके बारे में, इसके कारण को जांचने के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, एक वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की जो टीम है वो गठित कर दी गई थी, वो रीडिंग्स ले रहे हैं, साक्ष्यों का असेसमेंट कर रहे हैं, और बहुत जल्द वो भी कुछ हमें बता पाएंगे। सर, अब जो गाड़ी को पटरी पे उठा दिया गया, दो कोच में से एक कोच हो गई है, दूसरे पे काम चल रहा है, बहुत जल्द वो भी हो जाएगा। आपका नाम? मधुर वर्मा, मैं सीनियर DCM के पद पर हूँ, पश्चिम मध्य रेल जबलपुर मंडल। फिलहाल इस हादसे की वजह से ट्रेनों के आवागमन पर असर हुआ है।